Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history. Chapter 1, Beads and Bones. About today we studied about the topic. This is your last topic of this chapter, the discovering the Harappan civilization. Discovering the Harappan Discovering the Harappan civilization. Dear student, in this topic, the very important topic which asked the various times in your board exam, the Cunningham's confusion. Cunningham's confusion. This topic is very important. What was the Cunningham confusion? We will discuss today and we will try to understand this topic before remind my previous class. My dear student, if you have remembered my previous class where I discussed with you that the decline of Indus Valley civilization, where I taught you the different hypotheses and statement which was given by the different historians, विभिन्न पुरातत्ववेत्ताओं का, विभिन्न इतिहासकारों के मत, और फिर उनके बीच के जो बातें थी, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में क्या क्या कहा था, इन चीजों पर हमने बात की थी. हमने कहा था कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता जो इतने बड़े क्षेत्रों पर फैली थी एकाएक डिक्लाइन हो गई, पतन के मुख में चली गई, नगरीकरण समाप्त हुआ. क्या कारण थे उनके पीछे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, और फिर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को समझाने का प्रयास किया. लेकिन एक बात तो तय थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ होगा. सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में कई सारे कारणों ने अपना योगदान दिया होगा. ये कई सारे कारण किस तरीके से पतन के लिए उत्तरदायी हुए होंगे, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी. कल की क्लास में हम लोगों ने इस पर बात की थी. मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा, व्हाट आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास, दैट द डिफरेंट रीजंस लाइक फ्लड, लाइक क्लाइमेटिक चेंज, लाइक फायर, ड्राट, फेमाइन, ओवर यूजेज ऑफ रिसोर्स, रिवर चेंज देयर कोर्सेस, जियोलॉजिकल चेंजेस, एपिडेमिक, आउटसाइडर अटैक्स, फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन, administrative ruin, and these are all points I told you in your class. So today we will try to understand your next topic, the discovering the Harappan society. उन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था, आपको पूरी तरीके से वो तैयार होंगे ऐसा मेरा विश्वास है. व्हाट आई फील,
आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन। ऑथर डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन द टॉपिक इन दिस टॉपिक ऑथर वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द कंडीशन इन विच द डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट कलेक्टेड द वेरियस एविडेंसेस एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन द इंडस सिविलाइजेशन। सो फार वी हैव एग्जामिन्ड फैक्ट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव यूज्ड एविडेंसेस फ्रॉम मटेरियल रिमेन्स टू पीसेस टूगेदर पार्ट ऑफ द फैसिनेटिंग हिस्ट्री। हाउएवर देयर इज अनदर स्टोरी एज वेल अबाउट हाउ द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द सिविलाइजेशन। When Harappan cities fell into ruin, people gradually forgot all about them. When men and women began living in the area, the millennia later, they did not know what to make of the strange artifact. That occasionally surfaced washed by floods or exposed by soil erosion or torn up while the plugging of field or digging for the treasure. My dear student, it is the difficult process. सिंधु घाटी सभ्यता के तमाम सारे तथ्यों को एक साथ जोड़ना और फिर उन्हें प्रॉपरली एक ठीक ठीक प्रकार से उनका एक्सप्लेनेशन देना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट। वन स्टोरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू दैट द मार्टिमर व्हीलर ही वॉज द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट। The different Indus site and other the historical sites was excavated by Mortimer Miller time to time. If you have remember my previous class where I told you that Mortimer Miller, when India was become free from Britishers, Mortimer Miller was busy in excavation of the Arika Medu. Arika Medu ke excavation mein वो बीजी थे। मार्टिमर व्हीलर तमाम सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर जाते, उनका उत्खनन करते और फिर उनको वहां से जो चीजें मिलती वो चीजें अपने टीचर गार्डन चाइल्ड के पास भेज देते। गार्डन चाइल्ड वॉज आर्म चेयर्ड हिस्टोरियन, ही नेवर वॉक्ड द हिस्टोरिकल साइट्स, वो कभी नहीं जाते थे। बट ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल गुड्स फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, दे कनेक्टेड विथ ईच अदर। प्रत्येक वस्तुओं को एक दूसरे से जोड़ना, उनको एक्सप्लेन करना, ये काम गार्डन चाइल्ड का था और वो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं। और जो उन्होंने एक्सप्लेन किया आज भी इतिहास में वो एक मानक बने हुए हैं। तो ये जो मानक है ये अपने में यूनिक है। तो कहते हैं कि जो इतिहासकार इन चीजों को एक साथ लेके जोड़े और किस तरीके से इनके बारे में एक्सप्लेन करता है वो एक अपने में डिफिकल्ट है। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट। सो दैट्स व्हाई वी हैड सीन दैट डिफरेंट द डिफरेंस, अलग अलग चीजें मिलती हैं, मतलब एकता नहीं होती, मतलब विभिन्नता मिलती है
इतिहासकारों में, क्योंकि वो अपने प्राप्त किए गए एविडेंस के आधार पर अपनी बातों को लेख करते हैं। अब कनिंगम कंफ्यूजन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कनिंगम कंफ्यूजन। व्हाट वाज द कनिंगम कंफ्यूजन? कनिंगम्स कंफ्यूजन व्हेन कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, कनिंगम वॉज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ही नोटेड दैट अमाउंट ऑफ ब्रिक्स टेकन फ्रॉम द एंशियंट साइट वॉज enough to lay bricks for about the 100 miles of the railway lines between the Lahore and Multan. Thus, many of the ancient structures at the site were damaged, and the contrast Mohenjo-daro was far better preserved. In the starting time, when Indus Valley civilization, the first site Harappa was, came into light, it was Cunningham who reached there and proved that it is the historical sites. Cunningham ने अपने खोज के द्वारा, अपने तथ्यों के द्वारा यह प्रूफ किया कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह प्राचीनतम नगर हड़प्पा अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा था। He also proved that it is the one of the ये कनिंगम ही थे जिन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व पे प्रकाश डाला, भारत के भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। जब इन्हें 1853 में बताया गया कि एक साइट्स है जहां से तमाम सारी ईंटें निकल रही हैं और खत्म नहीं हो रही, तब भी वहां पहुंचे और उन्होंने इस पर काम किया और इन्होंने अपने स्टडी वर्क से ये प्रूफ किया कि इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्चर ऑफ इंडिया। बट नो डाउट टू से दैट द वर्क ऑफ अलेक्जेंडर कनिंगम वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन हिस्ट्री, बट एज फार एज द मैटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जहां तक बात है, वहां पे अलेक्जेंडर कनिंगम थोड़ा कंफ्यूज थे। अलेक्जेंडर कनिंगम का कंफ्यूजन इस बात पे था कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है। अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास वेयर आई टोल्ड यू that the first person who reached and tried to trace that this site was archaeological sites or historical sites, that was Charles Mason. When he was going in the court of Maharaja Ranjit Singh, he saw that. And then after William Brunton brothers was engineers, when they constructed the railway track between Lahore to Multan, they had seen a one mound where a lot of big bricks that was used by the railway contractors and the laborers. And having seen that conditions, they informed Alexander Cunningham, who was the director of Archaeological Survey of India. He reached there and he observed that site. It was written in the various book. He took the peak photographs and he coveted the sites also, some places where he collected the artifact seal. वहाँ से उन्होंने इन चीजों को collect किया और फिर ये उनके collections एक milestone के रूप में इतिहास में और बाद के इतिहासकारों के लिए, बाद के पुरातत्वविदों के लिए
मार्गदर्शन का काम किया. देयर वर्क वॉज वेरी प्रीसियस फॉर द इंडियन हिस्ट्री. उनका काम भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता कितनी है, इसको एक्सप्लेन करने में अलेक्जेंडर कनिंघम कंफ्यूज हो गए. व्हाट वाज देयर कंफ्यूजन, लेट अस सी, आइए देखते हैं. कहता है कि व्हेन द कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बिगेन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इन द मिड 19th सेंचुरी, आर्कियोलॉजिस्ट प्रिफर्ड टू यूज द रिटन वर्ड टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस एज गाइड टू द इन्वेस्टिगेशंस. इन फैक्ट कनिंघम्स मेन इंटरेस्ट वॉज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी सी एंड लेटर पीरियड्स. ही यूज्ड द अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज बौद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th and 7th century CE टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स. कनिंघम ऑल्सो कलेक्टेड द डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ड्यूरिंग ईच सर्वे. व्हेन एक्सकवेटेड साइट्स ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स दैट ही थॉट टू कल्चरल वैल्यू. अ साइट लाइक हरप्पा विच नॉट पार्ट ऑफ द इटिनरी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिमेज एंड वॉज नॉट नोन एज द अर्ली हिस्टोरिक सिटी डिड नॉट फिट वेरी नीटली विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. सो ऑल्दो हरप्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली ऑफन ड्यूरिंग द 9th century एंड सम ऑफ दीज रीच्ड द कनिंघम्स He did not realize how old these were. My dear student, what I am telling you, कि ये वो चीजें थी जिनके आधार पे, ये आर्टिफैक्ट्स थे जिनके आधार पे अलेक्जेंडर कनिंघम सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को एक्सप्लेन कर रहे थे. देयर होल स्टडी, कनिंघम्स होल स्टडी बेस्ड ऑन चाइनीज पिलग्रिमेज जो चीन से आए हुए तीर्थयात्री के रूप में, बौद्धिस्ट मॉन्क बौद्धिस्ट तीर्थयात्री के रूप में आए, वेनसांग फायान, उनके बारे में था. कहता है कि और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. कहता है कि ही यूज द अकाउंट लेफ्ट बाई चाइनीज पिलग्रिम्स, जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे, चाइनीज बौद्धिस्ट पिलग्रिम्स, चाइनीज बौद्धिस्ट पिलग्रिम्स एंड देयर अकाउंट. एंड देयर अकाउंट्स दैट वॉज गिवन इंफॉर्मेशन. ये जो जानकारी दे रहे थे वो इन्हीं के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को अलेक्जेंडर कनिंघम प्रूफ करना चाह रहे थे. हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप इन चीजों को भी समझिए कि कनिंघम का जो वर्क था, कनिंघम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी 6th
सेंचुरी बीसी टू फोर्थ सेंचुरी सी, इसके बीच का काल, ये अलेक्जेंडर कनिंघम के स्टडी का मेन आधार था। सो दैट्स व्हाई अब चैनिंग पोस्टिस्ट कौन कौन से थे, दो लोगों के नाम है फायर और रेनसान। फायर कब आया, फायर कब आया, फायर की भारत में आने फिफ्थ सेंचुरी एडी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, और वेनसांग कब आया, सेवेंथ सेंचुरी एडी ड्यूरिंग हर्ष पीरियड। तो एक हर्षवर्धन के काल में और एक गुप्ता पीरियड में आने वाले पिलग्रिम्स के अकाउंट्स के आधार पे ये व्याख्या करना कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतनी ही प्राचीन है, ये पूरी तरीके से सही नहीं थी। और इसी बात का उल्लेख बार बार इतिहासकार करते हैं कि जो कनिंघम कंफ्यूज हो गए, उन्होंने अपनी स्टडी का जो बेस आधार बनाया और जिसके अकाउंट को उन्होंने अपने बेस के रूप में लिया, वो चीजें उन्हें कंफ्यूज कर रही थी। सो कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन होगी इसकी ठीक ठीक तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए। और यहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसकी प्राचीनता के बारे में ठीक ठीक आकलन कनिंघम नहीं कर पाए। दैट इज द कनिंघम कंफ्यूजन। हरप्पन सी वॉज गिवन टू कनिंघम बाई एन द इंग्लिश मैन, ही नोटेड द ऑब्जेक्ट बट द अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विथ विच ही वॉज फेमिलियर। दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मेनी अदर थॉट द इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली। गिवन हिज स्पेसिफिक फोकस इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हरप्पा। डियर स्टूडेंट, If you will see the whole paragraph where you have clear information that what was the confusion of Cunningham. Actually, Cunningham and their study that was based on the Chinese pilgrims account, Fayan and Wensang. Fayan, he reached India during 5th century AD, Gupta period. And Wensang in the Harz period, 7th century, he reached. What they did, what they wrote, on the basis of that, Cunningham want to prove that Indus Valley civilization at least 6th century, थोड़ा सा पहले 6th century BC के आसपास ही जा सकती है, इसके बाद ये नहीं जा सकती, ऐसा Cunningham का मानना था। But in the modern study that proved that the Indus Valley civilization, it was very early, that date which was given by Cunningham. I think there is no need to explain the date, उन dates को explain करना यहाँ पे बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पर हमने तमाम सारी बातें की। आज से करीब 5000 साल पहले की सभ्यता को Cunningham सिर्फ आज से करीब कितनी पुरानी, 6th century BC, आज से 2000 साल पुरानी बता रहे थे या उससे भी कम। That is the very important things, my dear student. इस question में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहला, कि Cunningham के बारे में आपको लिखना है, you have to write about the Cunningham, who was Cunningham. तो आपको लिखना है Cunningham was the director of archaeological survey of India and he was also called the father of Indian archaeology. He did hard work on Indian history, their studies that was milestone in Indian history. Corpus Indicarum, volume 1st, 2nd, 3rd, 4th, that was his prominent work. What he did, that was also compiled by the Asiatic Society of India. And we have a huge documents that was compiled, wrote or collected by them
अब इनके बारे में, इनके कन्फ्यूजन के बारे में आपको लिखना है. व्हाट वाज द कनिंगम कन्फ्यूजन? इन द वेरी इजी वर्ड यू कैन एक्सप्लेन द कनिंगम कन्फ्यूजन. क्या था कनिंगम कन्फ्यूजन? आपको बताना पड़ेगा कि कनिंगम कन्फ्यूजन एक्चुअली देयर कन्फ्यूजन एरोज बिकॉज ही फेल्ड दैट द इंडस इज द इंडियन हिस्ट्री दैट वॉज नॉट सो अर्ली. He focused that the Chinese pilgrims account और उन्होंने इंडस के साइट्स को उसी के आधार पर आसपास करने का प्रयास किया. तो ये उनका मेन कंफ्यूजन था. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इनफैक्ट द कनिंगम्स मेन इंटरेस्ट इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्ट्री 6th century BC to 4th century CE एंड लेटर पीरियड्स ही यूज the account left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th century CE to locate early settlements. Cunningham also collected, documented and translated the inscriptions found during his survey. Within excavated sites, he tended to recover artifacts that the thoughts had cultural values. A site like Harappa, which was not part of the eternity of the Chinese pilgrims and was not known as early historic city, did not fit very nearly within his framework of the investigation. So although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old these were. A Harappan seals was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. This was because he, like many other thoughts that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of Harappa. Why I am telling again and again? Because this is the Cunningham confusion. Dear student, if you will see page number 21 where Wheeler at Harappa's, Wheeler, Mortimer Wheeler, kya kehte hain Harappa ke bare mein? Wheeler, there is no doubt to explain the importance of the Wheeler in Indian history. Early archaeologists were often driven by the sense of adventures. This is what Wheeler wrote about his experience at Harappa. Wheeler जब हड़प्पा पहुंचे तो उन्होंने हड़प्पा के इंपॉर्टेंस को, हड़प्पा की जो महत्ता थी उसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इट वॉज आई रिकॉल ऑन वार्म मे नाइट इन 1944 दैट इज 4 miles तांगा राइड brought me as the newly appointed Director General of the Archaeological Survey with my local Muslims officer from the little railway stations labeled Harappa along a deep sand track to small raised house beside the moon lit mounds of the ancient site. Warned by me and anxious colleagues that we must start our inspection at 5:30 next morning and finished by 7:30, after which it would be too hot, we turned in with the dark figure of the Panka walls crossed the bently in the entrance and the right ear rent by the innumerable jackals in the neighboring wildness. Next morning, punctually at 5:30, our little procession started out towards the sandy, stopped and rubbing my eyes as I gazed upon the tallest mound, the scarcely trusting my vision. 6 hours later, my embrace stopped
and I were still patrolling with picks and knives under the blazing sun, the mad sahib. I am afraid sitting a relentless place. ये बातें व्हीलर लिखते हैं अपनी उन घटनाओं का उल्लेख करते हैं जब वो हड़प्पा पहुंचे पहली बार और उन्होंने हड़प्पा के बारे में देखा, हड़प्पा के बारे में तमाम सारी चीजों को एक्सप्लेन किया. टुडे व्हाट वी डिस्कस दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर स्टूडेंट. इफ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड दिस क्लास फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन टॉपिक वेयर आई टोल्ड यू the different hypothesis which was given by the different historians and archaeologists. And then after, we try to understand the discovering the Harappan civilization, how it was discovered, and what was the problem which was faced by the archaeologist. Thought that is the very important thing which we discussed today, that is the Cunningham confusion. Cunningham, no doubt to say that, again I inform you that he was the father of Indian archaeology and he given their precious time for the Indian history as an archaeological survey of SI. And after all, we studied the Cunningham confusion and then after Wheeler's experience when he reached first time in Indus Valley civilization sites Harappa. What he saw and which type of instructions that was given by the local peoples. These are all we discuss today. So my dear student, I hope you are getting and you are having take my this class. आप इस मेरी क्लास को पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा. तो आज के लिए इतना ही, फिर क्लास में मिलेंगे, बातें करेंगे. गुड बाय.